नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आप चंडीगढ़ दिनभर देख रहे हैं। आज हम चंडीगढ़ की पार्किंग की बात करते हैं। त्यौहार आने को है और पार्किंग से जुड़ी खबर करने के लिए हमारे पत्रकार हिमांशु शर्मा जी को बताया गया। उन्होंने एक खबर करी जिसमें पार्किंग में व्यवस्थाएं जो थी पूरी तरह से नहीं थी। पार्किंग में पर्चियाँ काटी जा रही थी और उसमें ये भी निकल के आया कि वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं थे जो वहाँ पे पर्चियाँ काटते थे, जो वहाँ गाड़ियाँ लगवाते थे, एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर नगर निगम द्वारा रखे गए थे। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ की जो पार्किंग है चंडीगढ़ के अलावा, जो बाहर से लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ की पार्किंग नगर निगम चलाती है और चंडीगढ़ है तो स्मार्ट सिटी है। अब स्मार्ट सिटी में स्मार्ट पार्किंग का दावा नगर निगम की ओर से किया जाता है। अब वीडियो में और आगे आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे जो स्मार्ट पार्किंग है, ऐसी स्मार्ट पार्किंग जहाँ पे कपड़े जो वर्दियाँ हैं वो तक नहीं है और जो मशीनें हैं, जो पर्चियाँ काटने वाली मशीन, वो भी नहीं है। उसकी जगह पर्चियाँ काटी जा रही हैं देसी तरीके से, जो पहले होता था। अब खबर क्या है इस सब में, वो खबर भी आपको बता देता हूँ। हिमांशु जी ने खबर का कोड लेने के लिए मेयर से बात की, जो यहाँ के मेयर हैं कुलदीप कुमार, उनसे बात की गई। तो मेयर ने ये बताया कि इस बात पे संज्ञान लिया जाएगा, वर्दियाँ दी हुई थी हमने और मशीनें क्यों नहीं है वो भी उन्हें नहीं पता। तो अब इसी मामले में एक खबर निकल के आई, जब हमने ये देखा कि वर्दियाँ पहना दी गई कई पार्किंगों में, वर्दियाँ जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे वहाँ उनको वर्दियाँ दे दी गई थी, लेकिन कई पार्किंगें ऐसी भी रहीं जिन पर वर्दियाँ नहीं थी। तो हमने सोचा इसका फीडबैक लगा दिया जाए। एक खबर और निकल के इसमें से आ गई कि मेयर साहब को ये चीज़ ही नहीं पता कि मशीनें तो बैंक वाले ही ले गए। ये सबसे बड़ी बात है कि बैंक वाले मशीनें ले गए और मेयर साहब को पता ही नहीं है। तो इसमें और गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ हिमांशु जी हैं, जिन्होंने ये खबर की थी। हिमांशु जी नमस्कार। राहुल जी, हिमांशु जी क्या बात हुई थी मेयर साहब से आप कि थोड़ा बताएंगे और रिकॉर्डिंग भी होगी, थोड़ा बताएं। कल जब मैंने पार्किंग को लेकर खबर की तो मैंने मेयर साहब का कोड लेना चाहा तो मेयर साहब ने बड़ा ही एक बयान आया उनका कि मेरी तो नॉलेज में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मशीनें नहीं चल रही हैं। तो जब मैंने ग्राउंड लेवल पर कई पार्किंगों के सुपरवाइजर से बात की गई तो सुपरवाइजर का यही कहना है कि 3-4 महीने हो गए हैं मशीनों को बैंक ले चुका है। क्या नगर निगम के मेयर को ये मामला नहीं पता? मेयर साहब ने तो मुझे ये बोला कि हमने तो सारी मशीनें दे रखी हैं। तो ये बड़ा चिंतक वाला बयान है, मेयर साहब को इसके ऊपर वो करनी चाहिए। और हम आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं सुपरवाइजर की। भाजी यार एक चीज पूछनी सी, मशीना कदों तो नहीं है अपने कोल पार्किंग च? मेरे तो याद नहीं, वैसे मेरे हिसाब नाल हो गए होने घटो घट 4-5 महीने। 4-5 महीने तो मशीना है नहीं, लिख के भी दिता सी मशीना रिपेयर करो। हाँ लिख के भी लेटर दिते हुए हैं सारा कुछ। ठीक है, ओके भाजी, ओके। अब एक इसमें बड़ा सवाल है, क्या मेयर साहब को ये पार्किंगों के बारे कुछ नहीं पता? क्या इसके बीच में कोई अफसर मिली भगत या धांधली चल रही है? कितना वक्त हो गया था ये मशीनें जो बैंक के पास चली गई, लमसम सारी पार्किंगों में ही ऐसा दिखाई दे रहा है? देखो जो हमने ग्राउंड लेवल जाकर देखा है और हमारी बात भी हुई है, हम अभी नाम नहीं लेना चाहते, उन्होंने यही बोला है कि 4-5 महीने हो चुके हैं जो मशीनें वापस चली गई हैं। लेकिन मेयर साहब का बयान बड़ा एक चिंता। मेयर साहब का भी रिकॉर्डिंग सुना दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हाँ कल को सवाल नहीं उठेंगे कि हाँ आप लोगों ने क्लियर किया कि नहीं। अधिकारियों द्वारा चंडीगढ़ में स्मार्ट पार्किंग के बड़े वादे किए थे उन्होंने। स्मार्ट पार्किंग को लेकर? स्मार्ट पार्किंग को लेकर बड़े वादे किए थे उन्होंने लोगों से। तो सर हमने आज पूरी पार्किंगों में विजिट किया है, किसी कर्मचारी के पास कोई मशीन नहीं है, हाथों से पर्चियां काट रहे हैं। और सर ना किसी के पास कोई वर्दी है ना कोई आई कार्ड है। सर ड्रेस तो दिया हुआ है, ड्रेस कोड तो है हमारे पास। और रही मशीनरी, जो मशीन की रही बात, जी सर
मशीन हमने दी तो थी पीछे से, हमने दे रखी थी यार, मेरी नॉलेज में तो ये है कि दी हुई है मशीन ने जो हमने स्मार्ट पार्किंग को। हाँ उसमें थोड़ी सी जो हमने कोड वास्ते कहा था वो नहीं अभी तक लगा। हाँ सर मैक्सिमम 99% किसी भी पार्किंग में मशीन नहीं। अच्छा जी सर, तो मैं इसका संज्ञान ले लेता हूँ भाई साहब, अभी बुला लेते हैं ऑफिसर को, ऐसा क्यों है भाई। हाँ हाँ सर बिल्कुल सर। ये थी मेयर साहब की रिकॉर्डिंग। और आपको एक चीज़ और बता दे, जो चंडीगढ़ की हमारी पार्किंग है ये बहुत विवादों में भी रही है। अभी पीछे पश्चानन एंटरप्राइजेज कंपनी थी, घोटाला हुआ, बैंक की नकली गारंटी, फिर गिरफ्तारियां हुई। तो मेयर साहब को देखना चाहिए सारा मामला, और अधिकारी जो भी इस मामले में मिले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त जाँच होनी चाहिए। थैंक यू। ये थे हिमांशु जी, जिन्होंने अपनी एक खबर करते करते कुछ और ही उसमें से उनको देखने को मिला। ये भी बातें कर रहे थे तो बातें करते करते ये चीज़ सामने आई कि मेयर साहब को इस बारे में पता ही नहीं है कि मशीनें तो बैंक वाले ही ले गए। तो सोचा कि इस पर एक वीडियो हो जाए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब